हेलो मेरे सब्सक्राइबर्स, आप सब कैसे हो? आज मुझे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करने का इसलिए मन कर रहा है बिकॉज जो मैं आज रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये यूजुअली मेरा फेवरेट है, जो कि एक मटन का डिश होता है। तो इसमें क्या होता है, यूजुअली ये होता है कि मटन को लेते हैं, फिर उसका कीमा अच्छी तरह से बारीक बनाते हैं, उसके बाद सारे ग्रीन हर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैंने मटन का कीमा बनाना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही बारीक होगा। यूजुअली ये मुठिया मटन का ही बनता है, या मैं प्रेफर करती हूँ मटन का बनाना, लेकिन जो लोग चिकन खाते हैं या फिर जिनको मटन बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो चिकन का भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें एग की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज क्योंकि एग बाइंड करता है और चिकन में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है जो उसको बाइंड करे। मैंने हाफ के जी मटन का कीमा तैयार कर लिया है। उसके बाद मैं जो हर्ब्स यूज़ करने जा रही हूँ वो एटलीस्ट 100 ग्राम्स है, जिसमें कि है हरा लहसुन, हरा सोया, हरा प्याज, धनिया एंड चिली। चिली आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और मैंने एक जिंजर का पीस लिया, यानी कि अदरक का एक टुकड़ा, उसको भी आप बिल्कुल बारीक कट कर लेंगे। अभी जितने सारे हर्ब्स मैंने कट किए हैं, इनको हम कीमे में ऐड करेंगे। उससे पहले जो कीमा है उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, एटलीस्ट 2 to 3 times। वॉश करने के बाद हम कीमे को किसी छन्नी या स्ट्रेनर में रखेंगे, ताकि उसमें जितना भी पानी है, लेफ्ट वाटर है, वो सारा ड्रेन होके बाहर निकल जाए। इसमें कुछ हम मसाले ऐड करेंगे, 1 tablespoon ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काले मिर्च का पाउडर, एंड 1 tablespoon कोरिएंडर पाउडर, यानी कि धनिया का पाउडर, और सॉल्ट आप अपने एज पर टेस्ट यूज़ कर सकते हो। इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे, एटलीस्ट 3 tablespoon ऑफ मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। फिर इन सारे हर्ब्स या मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, इसी को यूजुअली लोग मीट बॉल्स भी कहते हैं। उसके बाद आप एक बड़ा पैन या फिर कोई भी कढ़ाई आप यूज़ कर सकते हो, उसमें इसको अच्छी तरह से प्लेस कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम, यानी कि धीमी आंच से थोड़ा आंच तेज करके आप इसको पकाएंगे, तब तक जब तक कि उसका पूरा पानी सूख ना जाए, यानी कि पूरा वाटर ड्राई ना हो जाए। अब मैं इसको मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ही इन्हांस हो जाता है। तो उसके बाद मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ इस अच्छे से मौसम में, क्योंकि मैं आउटडोर कुकिंग करती हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है इसको यूज़ करके, इसलिए मैंने अंगीठी का यूज़ किया है आज। तो लीजिए, आपका तैयार है मुठिया गरम गरम। आप इसको स्नैक के रूप में खा सकते हो, आप इसको एज अ मेन कोर्स राइस के साथ भी ले सकते हो। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी और ये डिश बहुत ही अच्छी लगेगी। आप प्लीज़ इसे एक बार एटलीस्ट ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा।